अब आपको बिहार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल बागमती नदी दरभंगा जिले में तबाही मचा रही है। दरभंगा के हयाघाट ब्लॉक से देखिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम नया टोला गांव पर पहुंच चुके हैं जो कि दरभंगा के हयाघाट प्रखंड में स्थित है। और आपको तस्वीरें पहले दिखा दें कि आप देखें किस तरीके से गाँव में पूरी तरीके से जो है वो पानी भरा हुआ है, जिसके कारण कई जो लोग हैं यहाँ रहने वाले, जो गांव है वाले हैं, उन्हों वो अपने घर को छोड़कर जो है वो ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं। और हम अब चलेंगे, लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मुश्किलों का उन्हें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ पर मैं इस वक्त उतरा हूँ यहाँ लगभग घुटने से ऊपर जो है वो पानी है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तमाम यहाँ पे घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और या फिर जो है वो टापू में तब्दील हो चुके हैं, और बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब इसी ऐसे ही हालत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ये हालत 3-4 महीने इसी तरीके से रहता है। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना खातून। रुखसाना जी, ये बताइए कब से पानी घुस गया है गांव में आप लोग? 10 रोज हुआ। 10 रोज हो गया है? जी। कौन सा नदी का पानी है? बागमती। बागमती जी। इससे क्या मतलब, समस्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख रहे हैं कि हम लोग डूब रहे हैं, कोई राशन पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए माल जाल लेकर के घर में हैं। कोई नए को पन्नी दिया, लाइन पर सबको पन्नी मिला, हमारे लोग को पन्नी नहीं गांव में मिला, तो हम लोग डूब भस रहे हैं, दाना नहीं दे रहा है कोई पूछने भी। जिंदगी चल रहा है, देखते हैं नाव के लिए कलोल कर रहे हैं, लाइए भैया लाइए, तो आता है तो बाजार उजार करते हैं, माल जाल जो है इसी तरह भूख रहता है, आदमी भी भूखे मरता है, क्या करेंगे, कोई चीज का वास्ते नहीं है, इतना पन्नी भी मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। खाने को सरकार की तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं, एक बार कोई भी घूम के नहीं आता है, नहीं आया। कब तक रहेगा गांव में आप लोग के पानी, कब तक रहेगा? 2 महीना, 3 महीना भी, 1 महीना भी, जैसा पानी है वैसा 3 महीना भी रहेगा। हाँ जी, तो देख सकते हैं साल में लगभग 3 महीने ऐसा गुजरता है जब बाढ़ का पानी इस गांव में घुस जाता है, और जिसके कारण से पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो जाता है, लोगों को अपने घरों को छोड़कर जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जाना होता है जिंदगी बचाने के